अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। भाई आप देख रहे हो एक माहौल बना हुआ है, एक हम लोग रूम के अंदर है, ये आइसोलेटेड रूम नहीं है। और यहाँ पर अभी हम इनसे पूछते हैं भाई क्या क्या तरीके कार है, कौन कौन से सोलर आते हैं, क्योंकि भाई मल्टीनेशनल कंपनी है तो इनके पास इन्फॉर्मेशन भी वैसी होगी और चीजें भी वैसी होगी। तो इनसे अभी चल के बातचीत करते हैं और आपको फिर अपडेट देते हैं कि भाई आप लोग क्या करें, किस तरीके से परचेस करें, कौन सी क्वालिटी लें, क्योंकि सोलर में भी बहुत सारी प्लेटों के मामला होते हैं। उसमें फिर बैटरी का भी मसला आता है, बैटरी का भी मसला आता है। उसमें मिस गाइड किया जाता है। तो अगर आप गाइडेंस के हवाले से भी जानना चाह रहे हैं कि 120 गज का घर है, 400 गज का घर है, 600 गज का घर है, ये डिपेंड करता है। अगर आप अवेयरनेस के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर क्वालिफाइड लोग मौजूद हैं जो आपको सही गाइड करेंगे और आपको इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं आएगा इन फ्यूचर। तो भाई हम चलते हैं और फिर देर ना करें, आपका भी हम बहुत ज्यादा हर दफा टाइम ले लेते हैं, लेकिन यार हमारा फोकस होता है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लें, आधी अधूरी ना लें। तो आपके भी बहुत सारे सवाल होते हैं, तो आप कमेंट्स में आप हमसे पूछ रहे होते हैं, भाई वीडियो पूरी देखें जिसमें हम सारी चीजें पूछ रहे होते हैं। एक आम आदमी है, हमें कोई सोलर के हवाले से कुछ पता नहीं है, हम भी यहाँ बैठ के सारी चीजें इनसे पूछेंगे भाई सोलर में क्या क्या चीजें होती हैं। तो आइए हमारे साथ और फिर चलते हैं चला भाई, तो फिर हो जाए मुकाबला। अच्छा भाई व्यूअर्स, हम लोग भाई आ गए और सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और रीजनल के हेड हैं, सेल्स ऑफ हेड, तो इनसे हमने रिक्वेस्ट की कि सर को टाइम बता दें, उस टाइम पर आके आपके इंटरव्यू करेंगे, और क्योंकि अवेयरनेस देनी है लोगों को, उनको बताना है सोलर के हवाले से। बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि मैं क्राउन माइक्रो को रिप्रेजेंट करता हूं पाकिस्तान के अंदर। वी आर अ मल्टीनेशनल ग्रुप और हम लोग इस वक्त तकरीबन 18 ममालिक के अंदर सर्व कर रहे हैं, जिनमें से वन ऑफ देम पाकिस्तान। हेड ऑफिस हमारा दुबई में है। अच्छा। और इसके अंदर हम यहाँ एक्चुअली प्रोडक्ट सप्लायर है, जो कि सोलर से रिलेटेड और पावर से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, जिसके अंदर ऑनलाइन यूपीएस है, सोलर इन्वर्टर है, सोलर पैनल है, लिथियम बैटरी है, ड्राई बैटरी है, ये हम यहाँ सप्लाई कर रहे हैं। हमारी R&D अपनी है, जिसकी बिना के ऊपर हम अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं। ठीक हो गया। और कंज्यूमर तक पहुंचाने का तरीका वही है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन को देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। एंड देन शॉप पे फिर वो कंज्यूमर तक, एंड यूजर तक जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो सर ये जो मरहला होता है, मतलब आपके पास जो प्रोडक्ट होती है तो वो बाहर से ही आ रही होती होगी आपके पास? बिल्कुल ऐसा ही। हम मुख्तलिफ मतलब जगहों से ये प्रोडक्ट को डिजाइन कर बनवाते हैं, जिनमें चाइना भी है, वियतनाम भी है, ताइवान भी है, फिर इसके अलावा जर्मनी की भी कुछ जगह से हमारी प्रोडक्ट आती है। तो एक अच्छी प्रोडक्ट, हमारा मेन मकसद तो यही है कि कंज्यूमर को हम एक बेहतर प्रोडक्ट प्रोवाइड, क्वालिटी मैटर करती है, क्वालिटी मैटर करती है। हमारी प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट है। ठीक है, ठीक है। जो कि एक आम रेजिडेंशियल पर्पज से लेकर इंडस्ट्रियल पर्पज तक सब में यूज हो रही होती है। अच्छा, उस हवाले से तो क्या कंपेरिजन है कि अगर हम कंपेयर करें कि एक मैं नॉर्मल यूजर हूँ, कि मैं वो बाहर से जो मुझे कम कीमत के अंदर एक चाइना प्रोडक्ट मिल रही है और उसकी लास्टिंग भी बजाय ज्यादा है लोगों की नजर में भी, लेकिन ऐसा क्या चीज है कि मैं अगर क्राउन से लूं कि मुझे बेनिफिट? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगा कि चाइना को हम लोगों ने अपनी मेंटालिटी बना लिया है कि यार वो बहुत ज्यादा कोई गिरी हुई प्रोडक्ट बनाता है, ऐसा है नहीं। चाइना से हम जो चीज बनवाना चाहें वही बनाता है। यूरोप के बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि चाइना से मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं ड्यू टू लेबर कॉस्ट की वजह से और ड्यू टू वहां की गवर्नमेंट की सब्सिडी की वजह से। हम भी चाइना से अपनी बहुत सारी प्रोडक्ट बनवाते हैं, बिल्कुल, मगर उसकी क्वालिटी R&D हम अपने हाथ में रखते हैं। हमारा अपना एक पूरा डिपार्टमेंट है जो कि इस चीज को रन करता है। और जहां तक बात रही कि क्राउन से आप क्यों बाय करें, तो उसकी मेन रीजन ये है कि देखें, प्रोडक्ट बनवा कर तो कोई भी ला सकता है, मगर ये एक टेक्निकल प्रोडक्ट है जिसको आफ्टर सेल सर्विसेज जिसके लिए जरूरी है। और ये चीज क्राउन माइक्रो आपको पाकिस्तान में 15 सर्विस सेंटर्स के साथ में आपको प्रोवाइड करता है। हर बड़े शहर में हमारा अपना सर्विस सेंटर है। आप प्रोडक्ट हमारी किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से बाय करें, हमारे सर्विस सेंटर्स अवेलेबल हैं आपको सर्विसेज देने के लिए, आफ्टर सर्विसेज देने के लिए। अच्छा, दूसरी चीज ये आ जाती है कि प्रोडक्ट क्वालिटी। हम एक मल्टीनेशनल कंपनी है तो हमारा अपना एक मेयार है,
हमारी कोशिश ये होती है कि हम चाहे चाइना से बनवाएं, चाहे वियतनाम से बनवाएं, चाहे ताइवान से बनवाएं, हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में दें, उसको हम खुद पहले चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसको ऊपर 2 महीने 3 महीने 6 महीने सही तरीके से जब हम मुतमईन हो जाते हैं, फिर हम वो प्रोडक्ट अपने नाम के साथ में उसमें मार्केट में हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मगर मैं समझता हूं कि अभी भी इस इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें दरकार हैं। एक तो लैक ऑफ नॉलेज हमारी आवाम को सबसे ज्यादा, अच्छी प्रोडक्ट, अच्छी इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, किन लोगों से करवानी है, कौन से सर्टिफाइड इंस्टॉलर हैं उनसे हमें करवानी चाहिए, प्लस इसके अलावा जो टैक्सेस हैं उनके हवाले से, फिर जो स्टॉक लॉट का सामान आता है उस पर गवर्नमेंट को बिल्कुल काम करना चाहिए कि स्टॉक लॉट को रोका जाए, अच्छी प्रोडक्ट मार्केट में आने दी जाए। जो बुरी प्रोडक्ट है या खराब प्रोडक्ट है, अब हर बंदा नहीं जानता कि कौन सी प्रोडक्ट ओरिजिनल है। बिल्कुल ऐसा ही है। सेफ्टी के हवाले से जो हम घर में लगा रहे हैं, जो बैटरीज होती हैं, ये सेफ होती हैं बच्चों के हवाले से? इसमें दूर रहना पड़ता है अगर इसकी आप खुद से कोई कुछ ना करे? देखिए, इसमें अगर आपका इंस्टॉलर सर्टिफाइड है, उसको पता है कि यार किस तरीके से इसकी इंस्टॉलेशन करनी है, क्या क्या इसके सेफ्टी के मेजरमेंट्स हैं जिनको आपने पूरा करना है, तो फिर इसमें कोई कबाहत नहीं है, ये सेफ चीज है बिल्कुल। मगर जहां नॉन प्रोफेशनल लोग अगर इंस्टॉलेशन करते हैं तो उनको मालूम ही नहीं होता, वो जस्ट इसको सोलर पैनल ऊपर इंस्टॉल कर देते हैं, इन्वर्टर इंस्टॉल कर दिया, बैटरी इंस्टॉल कर दी, बीच में 2-3 ब्रेकर बस उठाकर स्टॉक लॉट के लगा दिए, तो उनको नहीं पता कि वायर किस गेज की लगानी है, स्ट्रक्चर किस टाइप का लगाना है। तो सर्टिफाइड इंस्टॉलर से अगर आप इंस्टॉल कराएंगे तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, आप इसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं, सेफ चीज है। कि भाई गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग काइंडली सोलर पे तवज्जो दें, बहुत बड़ी फर्म है, उससे बहुत तंग आ चुके हैं, लाइट आती नहीं है, बिल आ रहे होते हैं, तो काइंडली आप इस पर तवज्जो दें, आवाम की बात है और हमारे फायदे की बात है। बाकी सर एक और चीज ये थी कि क्रोन माइक्रो जो है उसमें कितनी किस्म के सोलर है, कितनी किस्म की बैटरीज होती है, क्या क्या चीजें होती है? देखिये माशाल्लाह से हमारे पास में सोलर इन्वर्टर इस वक्त हाइब्रिड भी अवेलेबल है, ऑफ ग्रिड भी अवेलेबल है, ऑन ग्रिड भी अवेलेबल है, 3 इकसाम होती हैं और तीनों इकसाम को हम पाकिस्तान में अपने कंज्यूमर के लिए सप्लाई कर रहे हैं। छोटे से छोटा 1.2 केवीए का, जो के 4 पंखे और 4 लाइटों के लिए एक घर की जरूरत होती है, वहां से लेकर एक इंडस्ट्रियल ग्रेड तक, जहां उनको अगर 1 मेगावाट या 2 मेगावाट की इंस्टॉलेशन करनी है, तो हमारे पास में कंप्लीट रेंज अवेलेबल है, ऑन ग्रिड की भी, हाइब्रिड की भी और ऑफ ग्रिड की भी। ऑफ ग्रिड नॉर्मली छोटे इन्वर्टर्स को कहा जाता है जो के सिर्फ इंडिपेंडेंट चलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर एक और चीज ये थी कि जिस तरह भी आपने बोला कि 1 point something किलोवाट का, तो मिनिमम क्या प्राइस रेंज होती होगी कि मतलब जिस तरह पे 4 पंखे 4 लाइटें चल जाएंगी, तो कितने उसमें सेटअप हमें पूरी पूरी बैटरी के साथ कितने तक का पड़ जाएगा? एक जनरल सा सवाल था ये। एक बैटरी के साथ में वही वाली बात है कि इसके अंदर डिपेंड करता है कि आप बैटरी कौन सी लगाते हैं। इन्वर्टर का तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इन्वर्टर 1.2 केवीए का जो है वो ऑलमोस्ट आपको 55-60 हजार रुपए का अच्छा मिल जाता है। तो इतने तो मतलब भाई बिल भर दिए होंगे आपने, इतने आपके घर भी एक महीने का बिल तो मैंने भी भरा है, मुझे इसलिए वो शौक हुआ। इसके साथ में आपको सोलर पैनल लगाने होते हैं, ड्राई बैटरी तो नहीं, जो भी आपकी अपनी रेंज है उसके हिसाब से आप बैटरी साथ में लगा सकते हैं। अराउंड तकरीबन कोई 1.5 लाख रुपए के अराउंड आपका एक सिस्टम, एक उन्होंने एवरेज बता दिया है, बेहतर सिस्टम हो सकता है, मतलब कुछ भी नहीं है। सही है यार, मैं समझता हूँ जहाँ पर आप लोग, मेरे खास से अगर एक 120 गज में रह रहा होगा डबल स्टोरी है, तो उसका तो मेरे खास से 50-60 हजार तो वैसे ही बिल आ रही है। उसके लिए 5.6 किलोवाट का सिस्टम हम नॉर्मली बताते हैं, कोट करते हैं, जो कि जिसकी कॉस्ट जो है तकरीबन आप ये कह लें कि 9 से 10 लाख रुपए के अराउंड आती है। अब ये हायर एंड पर मैं जाकर बता रहा हूँ, अच्छी क्वालिटी की चीजों के साथ में, तो इन उसके बाद में अगर आप 9-10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आई थिंक सो कि आपका इस वक्त जो यूनिट प्राइस चल रही है उस हिसाब से आपका 2 से 2.5 साल का आरओआई है, वो आपका मतलब आपका पैसा पूरा हो जाता है। देन उसके बाद में 25 ईयर्स तक आप इसकी सोलर पैनल की लाइफ है, मोस्टली इन्वर्टर्स 5 ईयर वारंटी में है। सॉरी आप ये दोबारा रिपीट करेंगे, कितने इयर्स की इसकी मतलब 25 ईयर्स की इसकी लाइफ है। साल किसने देखे हैं भाई? मतलब आपकी मतलब किसी घर में कोई लड़का वगैरह कोई पैदा भी हुआ तो उसकी शादी हो जाएगी,
उस टाइम तक चलेगा। तो आपने मिसाल बड़ी अच्छी दी है सपन भाई। अच्छा, इसमें क्राउन माइक्रो आपको 4 इयर्स से लेकर 5 इयर्स तक की अपनी प्रोडक्ट के अंदर वारंटी भी प्रोवाइड कर रहा है, तो टेंशन फ्री होकर आप हमारी प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं किसी भी किस्म के। तो उस हवाले से आपका बहुत बहुत शुक्रिया उमेर भाई। अच्छा, देखिए ये जो हमारे माइंड में जो सवाल थे वो हमने उमेर भाई से पूछे। बाकी सर अगर आप कुछ बताना चाह रहे हैं हमारे व्यूवर्स को क्राउन माइक्रो के हवाले से तो आप बता सकते हैं। मेरी बस सबसे यही गुजारिश है क्राउन माइक्रो के प्लेटफॉर्म से कि हमारी हम मुसलसल अपनी प्रोडक्ट को बेहतर करने के लिए सबकी राय का इंतजार करते हैं। कि अगर कोई हमें अपनी प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने के लिए अगर कोई एडवाइस कर सकता है, अगर उसके घरों में कोई मसाइल आ रहे हैं, वो चाहता है कि यार मेरी प्रोडक्ट में ये फंक्शन भी होना चाहिए, तो बिल्कुल आप हमें एडवाइस करें। हम आप सब व्यूअर्स की एडवाइस को रखते हुए ही प्रोडक्ट डिजाइन करवाते हैं, क्योंकि यूज कंज्यूमर ने करना है। यूज हम भी एज एन कंज्यूमर हैं, मेरे घर में भी अगर लगा हुआ है तो मैं भी एज एन कंज्यूमर, मुझे भी प्रोडक्ट ऐसी चाहिए होती है कि जो कि मेरी जिंदगी में आसानी पैदा करें। तो अगर किसी की कोई अच्छी राय आएगी तो बिल्कुल कंपनी उसके ऊपर काम करेगी। ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात होती है कि मतलब लोगों की राय लेके उसको हिसाब से लेके चलना। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। वेलकम सर, आप लोग आए, थैंक यू। और हमें कमेंट्स करके जरूर बताएगा कि ये जो अवेयरनेस थी हम आपके लिए कितना बेनिफिट रही है और आपको उससे क्या फायदा हुआ है, तो कमेंट्स में जरूर करके बताएगा। और सफाना और मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।